ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में आज जो है विशेष जो ड्रग्स हैं उनको एक बार हम रिपीट भी करेंगे और जितना हमारे पास फ्लूड थेरेपी है आज हम उसकी चर्चा करेंगे। फ्लूड थेरेपी सबसे जो पहला रामबाण, दो हमारे पास फ्लूड थेरेपी होती है रामबाण। तो एक तो हमारे पास होता है डीएनएस जो समय काम आ जाएगा, जिसमें डेक्स्ट्रोज नॉर्मल स्लाइन जो है हमारे पास है। और एक जो ड्रग है वो है जिसको मैं इन सबसे भी वेटरनरी की मेन ड्रग मानता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूड में, और वो है हमारे पास ये जो हमारे पास माइफेक्स। ये माइफेक्स जो है ये देखिए, ये हमारे यहाँ क्लिनिक है, नीचे हॉस्पिटल बना हुआ आपने देखा है। तो ये मेडिसिन जो सारी है, आज मैंने ये नीचे हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन है जो मंगा के हमने रखी हुई है, इनको हम यूज लेते हैं, वो जो मंगाई हैं, जो आपके प्रैक्टिकल चाहिए, जो जरूरत है, वो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं मेरे पास आज। ये है माइफेक्स। शायद मैंने आपको पढ़ाते समय ये क्लियर किया होगा कि ये हमारे पास चार बीमारियों में काम आएगा। डायग्नोज प्रॉपर नहीं भी हो पाया, आपने लगा दिया, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सी? कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो तो, फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर हो तो, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर हो तो, और अगर कीटोसिस हो, ग्लूकोज की कमी हो तो। कीटोसिस आपने पढ़ा है। तो ये चारों ही बीमारियों में, और चार ही बीमारियां मेन है इसके अंदर, जिसमें से दो और विशेष हैं, जिसमें से मिल्क फीवर है, हाइपोकैल्सीमिया, और दूसरा है कीटोसिस। तो ये चीजें जो है आपको, ये एक बोतल अगर आपने इसका यूज पढ़ लिया अच्छी तरह से और प्रैक्टिस में ले आए, तो जनरली तो दो बीमारियां मिलेंगी आपको। जब जानवर भी आ जाता है, गाय भी आती है, भैंस भी आती है, तो उनके अंदर या तो कीटोसिस होगा और या हाइपोकैल्शीमिया होगा। फॉस्फेटीमिया ये बहुत कम रेयर चांसेस में मिलता है, और हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम की कमी, ये तो और भी रेयर केसेज है, और भी रेयर केसेज में मिलेगा। जनरली आपको दो डिजीजें मिलेंगी, कीटोसिस होगी या कैल्शियम की कमी होगी। अब इन दोनों में से आप कैसे इसको पहचानोगे? आप अपनी क्लिनिकल डायरी में इन दो लाइनों को लिख लो, बड़े काम आएंगे ये। ये जो पूरी प्रैक्टिस का 33 वर्ष का जो अनुभव, ये सच्चाई है। कैसे कैसे हमने इसको सीखा, कैसे कैसे माथा मारा, पढ़ा, डिफरेंशिएट किया, और आपको ये दो लाइनों में डिफरेंशिएशन मैं आपको दे रहा हूं। आपने जैसे ही आप गए, आपको पता है कि ये कीटोसिस में भी काम करेगी और ये हाइपोमैग्नीशियम फास्फोटी कैल्शियम में भी काम करेगी, हाइपोकैल्शियम में। आप ये बोतल जो है आधी आईवी उसके लगाएं, आधी, या आप ऐसा कीजिए इसको 450 ml है तो आप 250 ml इसको आईवी दे दीजिए और 200 ml सबकट दे के आ जाइए। अब सिम्टम आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि जाते ही आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कीटोसिस है। वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि अगर कीटोसिस है तो वो जानवर जो गर्दन पीछे करके नहीं बैठेगा, वो बैठेगा, जुगाली नहीं करेगा। और अगर आप उस, और सिंपल सा वे है, हाइपोकैल्शीमिया है अगर उसको है, तो वो आपको हमने बताया कि सारे ये सिम्टम होंगे, किस तरह से वो बैठेगा, गर्दन किस तरह से बैठ जाएगी उसकी, और शुरुआत का ये होगा, फिर उसके बाद में ये लेट जाएगा, और फिर जो घड़ घड़ की आवाज, वो तीसरी अवस्था में आती है। तो आपको जाते ही ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता, तो आप क्या करें, आप उसको ये आधी जो है वो लगा दीजिए आईवी, और आधी सबकट लगा के आ जाओ। अब दूसरे दिन उसका रिस्पॉन्स आएगा मालिक का। अगर वो ये कहता है कि जी वो खड़ी तो हो गई थी,
कल तो ठीक ठाक थी, लेकिन वो आज फिर बैठ गई है। अब आपको मैं कैल्शियम नहीं देना उसको जाके, ये ध्यान रखना। इसका ये मतलब क्लियर हो गया कि ये जो है 99% केस जो है वो किटोसिस का है। ये काम और आपको बता देता हूं, और सरल कर देता हूं, क्योंकि कई जगह ऐसी पोस्टिंग हो जाती हैं वहां पे कहीं सूचना आनी बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में, क्योंकि मेरा बाड़मेर का एक्सपीरियंस रहा है। इतने इतने दूर जाना होता था, वो भी ऊंट पे, क्योंकि रास्ता ही नहीं था कोई व्हीकल का। तो अब वो कब आपके पास मैसेज पहुंचेगा और कब आप ट्रीटमेंट दोगे? तो अब एक इसके साथ क्लिनिकल डायरी में अपने में लिखिए, इसके साथ आप एक इंजेक्शन उसी दिन प्रेडनिसोलोन 10 ml जो इंट्रामस्कुलर दे के आ जाइए और आप निश्चिंत होकर सो जाइए घर पे। अब वो दोबारा उसको किटोसिस नहीं होगा। एक बार की किटोसिस इसके अंदर 20% या 25% डेक्सट्रोज है, उसने कंप्लीट कर दिया। और उसको ये आप जरूर अवश्य कह के आ जाइए कि भाई इसको 2 या 3 दिन आप जो है गुड़ का सीरा बना करके खिला देना। अब इसे इसके मतलब क्या है कि कुल मिला के तो ग्लूकोज देना है, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला दो उसको। अगर वो गुड़ का सीरा बना करके थोड़ा बहुत इस तरह से अच्छे तरह उसको खिला देते तो वो एक लापसी तरह का बन जाता है। एक तो वो 2 दिन खाने में सही रहेगा, क्योंकि उसको हार्ड जो नहीं दिया जाता, जनरली कंसंट्रेट नहीं दिया जाता, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जेटिक फील करेगी वो जानवर। और एक जो है उसको किटोसिस नहीं होगी, क्योंकि आप ग्लूकोज दे रहे हो गुड़ के माध्यम से आयरन भी जा रहा है उसमें, कैल्शियम भी जा रहा है, तो ये तीनों की पूर्ति वो कर देगा। तो ये आप उसको कहें 2 या 3 दिन तक भाई इस तरह का व्यवस्था इसकी आप कर लेना। तो मेरे पास कभी भी कोई इस तरह का दोबारा केस नहीं आया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो 4 आपने इसके लगाने के बाद में आपने प्रेडनिसोलोन आपने लगा दिया, आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसको 20 ml दे दिया, साथ में आपने बी कम्प्लेक्स उसको दे दिया, ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और वो जानवर दोबारा बीमार नहीं होगा, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत आसी महसूस होती है तो उसको ये और कह दें या साथ ले जाएं, आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाया है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बोलस ले जाएं आप, उनको ये कहें भी आप ये 2-2 बोलस सुबह शाम या 3-3 बोलस सुबह शाम 2 दिन आप इस जानवर को दे देना। आपने उसके एनाल्जेसिक भी नोवलजिन भी लगाना है उस समय, क्योंकि वो शरीर जो है दर्द करता है, ब्याही हुई है एक बार। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे 2 दिन, तो 2 दिन की टेबलेट भी उसको वहां दे के एनाल्जिन वगैरह जो है दे के आ जाइए, तो उस गरीब का भी भला हो गया, आपको भी दोबारा खपत करनी नहीं पड़ी। और ये और हो जाएगा उस गांव के अंदर कि वो डॉक्टर साहब आए और वो एक बार के अंदर ये पूरा ट्रीटमेंट करके दोबारा जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये माई फैक्स याद रखना, बहुत ही अच्छी। अब कैल्शियम, अगर आप कन्फर्म हो जाती हो कि कैल्शियम की ही कमी है तो माई फैक्स देने की जरूरत नहीं। फिर आप उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बोतल अलग से आती है, सस्ती है वो, महंगी है, दोनों में फर्क है। तो आप उसको ये आप लगा करके, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें 250 ml जो आईवी लगाओ, 200 सबकट देके आना। सबकट धीरे 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 रिलीज होगी, अगर वो कमी आती भी आए होगी तो वो उस कमी को पूर्ति कर देगी। तो ये हमारे 2 लिक्विड हमने जो आपको फ्लूड थेरेपी में 2 पहले बता दिए। अब हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, और इसमें आपने जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया है कि कितना तो सोडियम होता है, 0.9% शायद इसमें होता है, यस 0.9 ग्राम है इसके अंदर। देखिए पॉइंट नाइन ग्राम है इसमें, और प्रत्येक 100 ml में तो ये 1000 ml है, तो इसके अंदर 9 ग्राम जो है वो आपने मिला दिया, ये 0.9% हो गया। अब ये सोडियम क्लोराइड की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो आपको उस समय डिहाइड्रेशन के समय ये जनरली काम में आता है, तो सोडियम क्लोराइड आपको ये लिक्विड ये फ्लूड थेरेपी में, तो ये कम से कम भी आप जो है 2 लीटर आपको चाहिएगा जब आप लगाएंगे, तो 2 लीटर जो है वो आवश्यक है, इसको आप 2 लीटर देवेंगे।
ये हमारे पास 5% डेक्सट्रोज है, ये 5% भी आता है, 20% भी आता है, 25% भी आता है। तो ये डेक्सट्रोज है एनर्जी के लिए। अगर आपने डिहाइड्रेशन हो गया जानवर का तो आप इसके अंदर ये आप 5% डेक्सट्रोज उसको दे सकते हो, तो उसका डिहाइड्रेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब डीएनएस, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन, ये सोडियम क्लोराइड, इसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, ये इसके अंदर मिक्स होता है। तो इसके अंदर ही 0.9 9 ग्राम 1000 में डाल देते हैं, और 50 ग्राम इसमें ग्लूकोज डाल दिया, ये 5% हो गया। 100 ml में 5 ग्राम है तो 1000 में 50 ग्राम, 50 ग्राम 9 ग्राम तो अब ये डीएनएस हो गया। तो ये हमारे पास डीएनएस शायद होना चाहिए, नहीं ये डीएनएस नहीं है, ये सोडियम लैक्टेट है हमारे पास। यस, ये सोडियम, ये देखिए आप कंपाउंड सोडियम लैक्टेट। तो जहां हमें ये मिनरल्स चाहिए, देखिए ये सोडियम लैक्टेट, इसमें तीन सोडियम है, सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम और ये मिनरल्स जब हमें चाहिए तो ये हमें आवश्यक रूप से जो है वो फ्लूड थेरेपी ये हमें देनी पड़ेगी। तो ये 2 से 4 बोतल 2 सुबह 2 शाम को ये आवश्यक रूप से आप उनको जो देवें। तो ये हमारे पास आज हमने इन फ्लूड थेरेपी जो है 5 बोतल जो हमारे पास हैं अवेलेबल रहती हैं। ये मैंने इंजेक्शन मेलोक्सिकेम कल इसके बारे में बता दिया, बेलामिल के बारे में कल हमारा डिस्कस हो चुका है, नोवलजीन एनाल्जीन शायद कल डिस्कस नहीं हुआ, एनाल्जेसिक है, छोटे जानवर में 5 ml, बड़े में 20 ml या 15-15 ml सुबह शाम दे सकते, ये 30 ml है। इसके बाद में कल मैंने आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया था, किस तरह से इसकी डोज दी जाती है। ये हमारे पास टीनाकेल है, कैल्शियम की प्रिपरेशन है ये हमारे पास। तो ये जब कैल्शियम की कमी होती है तो जानवर में आप ये 30 ml 20 ml के हिसाब से डेली जो है दिलवा सकते हो, सुबह शाम भी 20 ml दिया जा सकता है 5 दिन के लिए, इससे भी कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। लेकिन अगर मिल्क फीवर है तो ये काम नहीं करेंगे इतनी जल्दी जितनी जल्दी आपका बोतल जो है वो काम करेगा। तो ये हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सैलिसिलेट, फिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सैलिसिलेट है। ये जितने भी हमारे आर्थराइटिस के केसेज होते हैं, ज्वाइंट पेन के केसेज होते हैं, ये उनके अंदर हमें हमारे जो है काम आता है। ये इंजेक्शन 15 ml जो है आप डेली लगा सकते हो इसको, और ये ध्यान रखें ये प्रेग्नेंट के कभी ना लगाएं, क्योंकि इसमें फिनाइल ब्यूटाजोन और सोडियम सैलिसिलेट है जिससे अबॉर्शन हो सकता है। इसके बाद में हमारे पास ये इंजेक्शन है रिमोट वेट, रिमोट वेट, रिमोट वेट क्या है, ये डायूरेटिक है। ये जब पेशाब जो है लाइसिक्स की जगह काम आता है, लाइसिक्स होता है ना वो सेम है, फ्रूसामाइड है इसमें, फ्रूसामाइड होता है, रिमोट है और ये वेटरनरी का आता है रिमोट वेट 10 ml। तो ये आप जब रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है तो तब ये हम उसमें काम में लेते हैं, डायूरेटिक है पेशाब उतारने के लिए। ये बीटा वेट है, डेक्सोना जिसको हम बोलते हैं, तो ये हम इमरजेंसी ड्रग्स हैं, ये बीटामिथासोन सोडियम फास्फेट है ये, तो ये हम इमरजेंसी में काम लेते हैं, और कीटोसिस में ये विशेष तौर से लगा देना चाहिए जैसे मैंने प्रेडनिसोलोन बताया। तो अगर आपके पास कोई डेक्सोना है वो भी लगा दें तो भी काम आपका चल जाएगा, मेटाबॉलिज्म को सही करना है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। ये हमारे पास है ब्लोटोसिल, ब्लोटोसिल है, ये आफरे में काम आता है, आप इसको इंट्रारूमिनल जो है नीडल के द्वारा भी दे सकते हो और माउथ से भी आप इसको पिला सकते हो। तो इसमें क्या अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें आफरे में रिलीफ मिलता है। अब हमारे पास अच्छा ये लिक्विड में और है हमारे पास अभी, ये देखिए फ्लूड थेरेपी में हमारे पास ये इधर रह गए दोनों बोटलें, डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी, ये वही 5% है सेम है, लेकिन ये कांच की बोतल में 5% है, वही है ये डेक्सट्रोज, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर।
यहाँ मेरे ख्याल से यस ये डीएनएस है, मैंने अभी बताया था सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज होता है, डी का डेक्सट्रोज हो गया, एन से नॉर्मल आर एस से सलाइन, नॉर्मल सलाइन यानी के 0.9 ग्राम 0.9% और 5% जो है ये डेक्सट्रोज है इसके अंदर, और 0.9% सोडियम क्लोराइड है, नमक है। तो ये एक ये प्रिवेशन है, ये डीएनएस कहलाती है, ये इधर रह गई थी और ये वही फ्लड थेरेपी है, और इसमें डिहाइड्रेशन में जनरली हम काम में लेते हैं। ध्यान रखना जब हाई टेम्परेचर हो जानवर को डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको, क्लिनिकल डायरी में लिखो, कभी भी फ्लूड थेरेपी में जब टेम्परेचर हाई हो तो कभी भी डेक्सट्रोज नहीं देते, उसमें नॉर्मल सलाइन स्लो देते हैं, ये ध्यान रखना। नॉर्मल सलाइन कहाँ काम आता है, डेक्सट्रोज कहाँ काम आता है, ये ध्यान रखना। उसमें डीएनएस भी नहीं देंगे आप, नॉर्मल सलाइन दें आप, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाली दे दें, आरएल वगैरह। आरएल यहाँ अभी मेरे पास लिखा हुआ तो नहीं है किसी पे, आरएल नहीं है, तो आरएल आती है तो उसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें जो डाले गए होते हैं, तो वो जब कमी हो जाती है डायरिया के अंदर तो वो देने बड़े जरूरी हो जाते हैं ताकि बैलेंस रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बैलेंस रहे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें सारे के सारे। तो ये हमारे पास फ्लूड थेरेपी का आज हमने पूरा कर लिया। अब हमारे पास है आज, अब ये मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ये सारे के सारे, कल हमने ये देख लिए थे क्योंकि वो यूज़ किए हुए थे और कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब ये हमारे पास है हेमोस्लाइड नाम से है, लेकिन ये इस एक्चुअल में इसको कहते हैं निमोस्लाइड, निमोस्लाइड पैरा का कॉम्बिनेशन आता है, पैरासीटामोल निमोस्लाइड आता है, लेकिन ये निमोस्लाइड है। ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये ड्रग, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसमें पैरासीटामोल भी है, निमोस्लाइड विद पैरासीटामोल, तो एंटीपायरेटिक भी है। देखिए सोजन को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा और बुखार को भी उतारेगा। तो ये आजकल इन दोनों में निमोस्लाइड ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है, यही काम में जनरली लेते हैं, नॉवल जीन सारे भूल गए हुए। ये हमारे पास लिक्सन आई यू इंट्रा यूट्राइन, आई यू का मतलब है इंट्रा यूट्राइन, तो ये हमारे पास लिक्सन है। इसमें ये देखिए लिक्सन की इस तरह की बोतल भी आती है और पाउच भी आते हैं, तो इसके अंदर ये देखिए लगभग इन्होंने मुझे लगता है ये 10 ml है क्या, 30 ml, ये 30 ml के दो जो हैं वो डिस्टल वाटर इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आपने इस 60 ml डिस्टल वाटर को इसके अंदर डाल लेना है और इसको हिला लेना है, ये तैयार है। इसी के अंदर ही देखिए बहुत बढ़िया, ये स्लीव इसके अंदर है, स्लीव हाथ पे चढ़ाएं, इसको आप सिरिंज में भरें और शीथ की सहायता से, इसकी सहायता से शीथ को, पहले शीथ को बाहर जो उसका कट एंड है उसको काट लें अगर शीथ भरपूर मात्रा में है तो, अगर नहीं है तो आप इसके लिए कैथेटर काम में लें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कैथेटर को काम में लेने से पहले इंट्रायूटरिन कैथेटर को उसको आपको पूरा स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें ऑटोक्लेव किया हुआ हो, मैं तो ये कहूँगा, वरना आप जो अंदर बीमारी हटाने के बजाय और दे दोगे। तो ये अब आप इस तरह से उसको इंट्रायूटरिन कैथेटर को अंदर ले जाएं हाथ से स्लीव चढ़ा के, उस पर लुब्रिकेंट लगा के, या सिरिंज से आप जो है ये जो हमारे पास स्लीव ये सॉरी इस पे चढ़ाने के लिए जो गन पे हम चढ़ाते हैं हमारे पास, तो उसको उसका कट एंड बीच में से काट लीजिए, शीथ को पीछे से जो कट एंड है ना, जब आप ये जो हमारी सिरिंज है उसका जो नोजल को उसमें लगाओगे तो फटे हुए एंड में वो वहां से दवाई निकल जाएगी, तो आप उसको काट लें पहले, और पहले उस नोजल को सिरिंज की नोजल को उस शीथ के जो आपने काट दिया उस भाग में अच्छी तरह से फिक्स कर लें। आपने पहले अगर हाथ अंदर ले गए
अब एक हाथ से वो फिक्स नहीं होगी और वो अंदर चली जाएगी, ये फिक्स ही नहीं होगी। या फिर हेल्पर चाहिए आपको, वो इसको पकड़ के और फिर उसकी नोजल को अच्छी तरह से उसके अंदर फिक्स करेगा। आप पहले कर लो फिर उसको पास करो। अब आपके हाथ में इधर जो है आपने सिर्फ जो है इसका सिरिंज का प्लंजर ही तो दबाना है। दवाई आपने उसमें भरी हुई है पहले, ऑलरेडी ये भर रखी है, ये आपने भरी और आप प्लंजर दबा दिया, ये इंट्रायूट्राइन सॉल्यूशन जो है इसमें चला गया। तो ये इस तरह से आपने इसको काम में लेना है। लिक्सन ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के लिए। जितनी भी तरह के इन्फेक्शन पड़ाए हैं ये सब में अच्छा इसका रिजल्ट है और काम करती है। देखना मैं कैसे लगी हुई इसको लगा दो। इसके बाद हमारे पास ये भी सेम है, ये हमारे पास है हिमेलो प्लस। तो ये आपने साल्ट पढ़ना है, मिलोक्सिकेम है इसमें, नाम कोई हो आपने क्या लेना देना, साल्ट पढ़ो, मिलोक्सिकेम है, दैट्स ऑल। हमने इन नामों के चक्करों में नहीं पढ़ना, ये ट्रेड नेम है। साल्ट क्या है, साल्ट एक है, तो उस साल्ट में ये तो कंपनी के है ट्रेड नेम है। आपने साल्ट देखना है, ये साल्ट तो आपको पता होना चाहिए किस काम आता है। तो मेलोक्सिकॉम पैरासीटामोल है, ये भी वही एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक प्लस पैरासीटामोल है, इसलिए एंटी पायरेटिक। ये तीनों निमोसलाइड और इसके तीनों के ये एक ही काम है। कल मैंने आपको पढ़ाया था लिवोफ्लोक्सासिन एंड ओमिडाजोल, लिवोफ्लोक्सासिन एंड और निडाजोल, ये भी आपके पास में इंट्रा यूट्राइन जो है वो सॉल्यूशन है। अभी मैंने जो आपको लिक्सन पढ़ाया उसी तरह से ये भी इंट्रा यूट्राइन है, ये देखिए। तो इसको भी आप इसी तरह से डिजोल्व करके और इंट्रा यूट्राइन आप इसको देंगे। तो ये अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। तो इसमें वो उसने लिक्सन दिया है तो उसमें सिफाफ्लेक्सिन है, इंट्रा यूट्राइन है, और हाँ ये सिफाफ्लेक्सिन पाउडर है इसमें, और इसमें इन्होंने लिवोफ्लोक्सिन और निडाजोल है। और निडाजोल जो है वो एनएरोबिक जो है उन पे अच्छा काम करता है, और एरोबिक के लिवोफ्लोक्सासिन है, तो ये दोनों को कवर कर रहा है, तो ये इससे कहीं ज़्यादा बेटर है, तो ये आप ज़्यादा काम में इसको ले सकते हैं। डाइक्रिस्टिसिन वेल नोन प्रोडक्ट ऑफ वेटनरी, डाइक्रिस्टिसिन या ये स्ट्रेप्टोपेंसिलिन है, डाइक्रिस्टिसिन स्ट्रेप्टोपेंसिलिन है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम होना चाहिए और पेंसिलिन और दोनों है इसमें। अभी छोटा बहुत लिखा हुआ